हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी मसाला चिकन की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो मैं बनाने वाली हूँ और आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करना ना भूलिए। चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया हुआ है। चिकन को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है ताकि इसमें भी जो भी डस्ट रहता है या ब्लड्स रहते हैं वो सब अच्छे से निकल जाए। चिकन को हम कुकर में बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने देखिए कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच इसमें मैं ऑयल का डालूंगी। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। अभी हम 1 चम्मच ही डालेंगे क्योंकि हम इसमें अपने चिकन को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो मैं इसमें चिकन को डाल देती हूँ। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ताकि तेल अच्छे से ऊपर नीचे पूरा मिक्स हो जाए हमारे चिकन में। अब हम इसे 10 मिनट के करीब इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। इसे हमारा चिकन पानी छोड़ता है और उसमें जो पानी पानी का टेस्ट रहता है वो चला जाता है, थोड़ा सा उसमें सोंधापन आ जाता है फ्राई होके, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से गैस की फ्लेम को धीरे रखूंगी और इसे 10 मिनट तक फ्राई करूंगी। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे खड़ी धनिया के सीड लिए हुए हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा लिया है, थोड़ा सा ये छबीला मसाला होता है मैंने ये लिया है, 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1 चम्मच हमने यहाँ पे पोस्ता दाना लिया है, 5 से 6 लौंग ली है और 4-5 छोटी इलायची है, 2 तेज पत्ते के हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया हुआ है और 6 से 7 हमने यहाँ लाल खड़ी मिर्च ली हुई है। आप चाहे तो हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने ये 5 बड़े और मीडियम मिक्स साइज के प्याज लिए हुए हैं, 1 पूरा मैंने लहसुन का जो बड़ा कली होता है वो लेके छील लिया है, इतने बड़े अदरक के टुकड़े हैं 2 से 3 और यहाँ पे 4 टमाटर है। तो हम सबको एक मिक्सी के जार में इसको डालेंगे और इसका एक अच्छा स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। मैं सबको मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और फिर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने सारे मसाले मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और मैंने अभी इसमें सिर्फ 1 प्याज ही डाला है और लहसुन अदरक डाला है क्योंकि मसाले को थोड़ा सा स्मूथ करना है, इसलिए पहले हम मसाला को पीस लेंगे उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से स्मूथ हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी के जो अपने प्याज और टमाटर है वो इसमें डाल के फिर से इसको एक बार पीस लेंगे। देखिये हमारा मसाला इस तरीके से पीस गया है, तो बाकी का मैं जो इसमें टमाटर और प्याज है वो सब इसमें डाल दूंगी और हम इसको अब फिर से एक बार स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। सब चीजों को एक साथ ही पीस लेना है, अलग अलग आपको डालने या पीसने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारा मसाला अच्छे से स्मूथ एकदम पीस गया है। चिकन को भी बीच बीच में चलाते रहना है ताकि वो अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स हो जाए। देखिए चिकन ने कितना पानी छोड़ा है, तो हम इस पानी को पूरा नहीं सुखाएंगे, बस थोड़ा सा भुनेंगे और इसके बाद इसको एक दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे और इसमें अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। चिकन को मैंने दूसरे ऐसे बर्तन में पलट लिया है। अब इसी कुकर में हम अपनी चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे। तो मैं इसमें वापस 3 बड़े चम्मच मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल लूंगी। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो आप खाते हो अपने रेगुलर में या जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो, पर चिकन या फिश ये सब मस्टर्ड ऑयल में बनते हैं राई के तेल में, तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमारा तेल गर्म हो जाता है तो फिर हम इसमें इसमें 2 तेज पत्ते के लीफ डालूंगी, 1 प्याज मैंने ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था तो मैं इसको भी इसी में डालूंगी। तो सुनहरा होने तक हल्का सा हमें फ्राई करना है, इसके बाद हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे।
तेल में ही मैं एक चम्मच लाल मिर्च का डाल रही हूँ, क्योंकि इससे जो हमारे चिकन का कलर रहेगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च भी पीसी हुई है। इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप तीखा कितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च ऐड कर लीजिएगा। बस इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इसमें अपना जो मसाला हमने पीसा था ग्रेवी के लिए उसको ऐड करेंगे। हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें अपना मसाला ऐड करूंगी जो हमने पीसा हुआ है। ये देखिए पूरा मसाला डाल देना है, इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्रेंड बहुत ही टेस्टी चिकन बनता है ये, इसमें हम बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे, बहुत लगेगा तो थोड़ा सा बस डालेंगे और इसको ऐसे ही रोस्ट करेंगे। आप जितना अच्छा मसाला भुनेंगे आपका चिकन उतना ही टेस्टी बनेगा। तो बस अब मैं इसे ढक देती हूँ और इसी तरीके से हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में खोल के चलाते रहेंगे और भुनेंगे। फ्रेंड बीच बीच में हमें अपने मसाले को खोल के चलाते भी रहना है ताकि वो अच्छे से भुन जाए, नहीं तो वो नीचे से जलने लग जाएगा। ये देखिए हमारा मसाला आधा के करीब भुन चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। हमने मिर्च तो डाल दिया था लेकिन हम हल्दी नहीं डाले थे, तो मैं इसमें ये दो छोटे चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। एक चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला ऑलरेडी हमने पीसा हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा हम मसाला हमें नहीं डालेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। तो अभी थोड़ा नमक मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ा नमक जब हम चिकन डालेंगे तब ऐड करेंगे। बस इसे चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। हाई रखेंगे तो मसाला हमारा भुनेगा नहीं उतने अच्छे से बल्कि जल जाएगा, और एकदम स्लो रखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको गैस की फ्लेम को बीच बीच में मीडियम और स्लो करते रहना है और मसाले को चलाते रहना है। चिकन का मसाला हमारा भुन गया है, तो अब हम इसमें अपने चिकन को ऐड करेंगे और वापस इसको स्लो फ्लेम में फिर से फ्राई करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ, थोड़ा नमक हमने पहले डाला हुआ है इसलिए मैं एक छोटा चम्मच नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम स्लो फ्लेम में भूनते रहेंगे जब तक दोनों अच्छे से मिक्स ना हो जाए और तेल ना छोड़ दे। देखिए हमारा चिकन अच्छे से भून गया है, आप देख रहे होंगे इसमें तेल छोड़ दिया ये। तो अब बस अब मैं इसमें एकदम थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, क्योंकि हम इसमें एक सीटी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से जो भी थोड़ा सा कड़ा होएगा तो अच्छे से पक जाएगा। बहुत ज्यादा सीटी नहीं लगानी है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ही गल जाएगा, ये ऑलरेडी भूनते हुए गल चुका है। तो बस मैंने आपने देखा एकदम थोड़ा सा 5-6 चम्मच के करीब इसमें मैंने पानी डाला है, और बस मैं एक सीटी इसमें लगा दूंगी, बाद में हम इसमें हरा धनिया से इसे गार्निश करेंगे। फ्रेंड अब मैं आपको कुकर खोल के दिखाती हूँ कि हमारा चिकन कैसा बना है। जी देखिए कितना टेस्टी एकदम दिख रहा है, देख के ही मुंह में पानी आ गया है। देखिए सीटी लगाने से जो तेल रहता है वो अच्छे से ऊपर आ जाता है, तो इसका लुक और टेस्ट और भी अच्छा पड़ जाता है। तो बस अब आपका गर्मा गर्म मसाला चिकन बनकर खाने के लिए तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इससे इसका लुक और टेस्ट और बढ़ जाएगा। देखिए अब हम इसमें हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे, इससे इसका लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाता है।